वर्ल्ड टूर चैनल सबसे पहले एक्टर इंद्र कुमार को श्रद्धांजलि भेंट करता है और उनकी फैमिली के साथ संवेदना जाहिर करता है। बता दें कि पिछले दिनों बॉलीवुड के मशहूर स्टार इंद्र कुमार इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जाता है कि 28 जुलाई 2017 रात्रि के 2 बजे उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी जो मृत्यु है वो अटैक से हुई। बताया जाता है कि पिछले कई सालों से इंद्र कुमार कई परेशानियों से गुजर रहे थे। अगर बात करें इंद्र कुमार की मैरिज लाइफ की तो इंद्र कुमार ने अब तक 3 शादियां की थी। इंद्र कुमार की जो मौजूदा पत्नी है उसका नाम पल्लवी है। अगर बात करें उनकी बेटी की तो उनकी एक छोटी सी मासूम बेटी है जिसका नाम सावन है। पिता के जाने के बाद सावन के चेहरे पर बहुत गहरी उदासी है। बताया जाता है जैसे ही ये खबर बॉलीवुड में पहुंची कि मशहूर अभिनेता इंद्र कुमार नहीं रहे तो उनके घर बॉलीवुड स्टारों का तांता लग गया। उनको छोटा भाई मानने वाले सलमान खान को जब ये खबर पहुंची तो वो फूट फूट पे रो पड़े। सलमान खान जो कि अपनी बिग बॉस 11 की शूटिंग में व्यस्त थे इसलिए वो उसके संस्कार पे नहीं पहुंच पाए, मगर जैसे ही उनको टाइम मिला वो तुरंत ही इंद्र कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी संवेदना उनकी फैमिली के साथ जाहिर की। बताया जाता है कि एक सलमान खान ही थे जो इंद्र कुमार के हर समय में उसके साथ रहे, कंधे से कंधा मिला के। इंद्र कुमार की लाइफ में सलमान खान का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि सलमान खान इंद्र कुमार को अपना छोटा भाई मानते थे। इंद्र कुमार ने अभी तक बहुत सी फिल्में की हैं जिसमें मशहूर फिल्म है मासूम, वांटेड, तुम रहो, ऐसी कुछ पिक्चरें हैं जो इंद्र कुमार ने की है। अगर बात करें इंद्र कुमार के प्रेजेंट प्रोजेक्ट की, आने वाली फिल्म की, तो उसका नाम है हु इज़ द फर्स्ट वाइफ ऑफ माय फादर। हालांकि इस फिल्म की रिलीजिंग डेट का किसी को भी कुछ पता नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि इंद्र कुमार की जाने के बाद सलमान खान ने उनकी फैमिली को बहुत से पैसे डोनेट किए हैं। सो दोस्तों, इंद्र कुमार एक बहुत ही अच्छे और नरम स्वभाव के व्यक्ति थे। हालांकि उनकी लाइफ में मुश्किलें लगातार बनी रहीं, उनके ऊपर बहुत से आरोप लगे, मगर पर्सनल उनको जानने वाले ये बताते हैं कि इंद्र कुमार को हमेशा फंसाया जाता था। अगर बात करते हैं इंद्र कुमार की लाइफ और रिलेशनशिप की। इंद्र कुमार का रिलेशनशिप आम तौर पर लोगों के साथ और एक्टिंग जगत में बहुत ही बढ़िया था। वो हमेशा स्माइल करते रहते थे। बताया जाता है जब उन्होंने लास्ट अपना पोस्ट लिखा तो ऐसे लगता था कि उस पोस्ट में उनको पता था कि वो अगले दिन जाने वाले हैं। उन्होंने अपने लास्ट पोस्ट में पीस लिखा। कहते हैं कि मरने वाले को पहले ही परमात्मा बता देता है कि वो अब इस दुनिया से जाने वाला है, सो उसके हाथ से कुछ ऐसा करवा देता है कि जिससे दुनिया उसको याद रखे। सो ऐसा ही हुआ इन एक्टर इंद्र कुमार के साथ, और उन्होंने जाते जाते अपने ट्विटर पोस्ट में पीस लिख दिया। और जब उनके फैन को पता लगा कि वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं तो बहुत से लोगों ने, जी हाँ बहुत से लोगों ने नम आंखों से अपने सुपरस्टार को बधाई दी। कुछ समय से बहुत से बॉलीवुड स्टार इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें विनोद खन्ना साहब हो, जा जिसको सलमान खान अपनी माँ मानते थे वो हो, जा जिसको सलमान खान अपना भाई मानते थे अब वो, जी हाँ एक्टर इंद्र कुमार। सो परमात्मा से उनकी आत्मा के लिए शांति चाहते हैं, और हम यही चाहेंगे कि इंद्र कुमार जिस दुनिया में भी रहें हमेशा मुस्कुराते रहें, कि आत्मा को शांति दे परमात्मा, उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली को भाना मानने की समर्था दे। इसी के साथ
आप सभी से इजाज़त लेते हैं, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर देना।